वेलकम टू साइनरडॉग। हेलो एवरीवन, आई एम किशन फ्रॉम साइनरडॉग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्रेसेस की वेबसाइट पे डीएससी यूज करते टाइम एक एरर आता है, एरर टू एस्टैब्लिश कनेक्शन विद ईएम साइनर, उसको आप कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको ट्रेसेस की वेबसाइट पर डिजिटल सिग्नेचर या जावा से रिलेटेड कोई अदर इश्यूज आते हैं तो कॉन्टैक्ट अस की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको हेल्प एंड सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे आप ट्रेसेस की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप फॉर्म 16 डाउनलोड करते हैं, दैन यहाँ पे एक एरर आता है, एरर टू एस्टैब्लिश कनेक्शन विद ईएम साइनर। जैसे आप यहाँ पे वैलिडेट डीएससी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक एरर दिख जाता है, एरर टू एस्टैब्लिश कनेक्शन विद ईएम साइनर। इसको रिजोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में लेटेस्ट जावा इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके सिस्टम में कोई पुराना या ओल्ड जावा इंस्टॉल्ड है तो आप उसको सबसे पहले आपको अनइंस्टॉल करना होगा। अनइंस्टॉल करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना होगा। जैसे आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल एक प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। देन आपको यहाँ पे जावा का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपके सिस्टम में पुराना जावा इंस्टॉल्ड होगा वो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करना होगा। सक्सेसफुली जावा अनइंस्टॉल होने के बाद आपको अपना लेटेस्ट जावा इंस्टॉल करना होगा। उसका यूआरएल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप यूआरएल ओपन कर सकते हैं एंड आपको लेटेस्ट जावा इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जावा डाउनलोड, देन आपको एग्री एंड स्टार्ट फ्री डाउनलोड, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जावा जो यूटिलिटी है वो डाउनलोड हो जाएगी एंड डाउनलोड होने के बाद आपको यूटिलिटी ओपन करनी होगी। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जावा इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आपको अपने सिस्टम में लेटेस्ट जावा इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल एंड आपका जावा इंस्टॉल होना आपके सिस्टम में स्टार्ट हो जाएगा। सक्सेसफुली जावा इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ सेटिंग अपने ब्राउजर में करनी होगी। इसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा एंड ओपन करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे तीन डॉट्स मिलेंगे, इन डॉट्स पे आपको क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, इस सेटिंग ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पे साइट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। साइट सेटिंग के अंदर जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कंटेंट के अंडर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप जावास्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अलाउ जावास्क्रिप्ट और डोंट अलाउ जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आपको अलाउ जावास्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, मेक श्योर आपका जो साइट है वो जावा को अलाउ कर रही हो। एंड देन आपको यहाँ पे अलाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे, एंड इसी के सामने आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड का, इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कुछ यूआरएल ऐड करने होंगे। ये सभी यूआरएल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे आपको यूआरएल ऐड करने होंगे। फर्स्ट यूआरएल आपको ऐड करना होगा https://127.0.0.1। सेकेंड यू आर एल आपको ऐड करना होगा https://127.0.0.1:1565। एंड देन आपको थर्ड यू आर एल ऐड करना होगा https://127.0.0.0:1585। ये तीनों यूआरएल आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे एंड ये सेम यूआरएल आपको जावा में भी ऐड करने होंगे। जावा में ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको सर्च करना होगा कंट्रोल पैनल,
कंट्रोल पैनल के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम का, एंड प्रोग्राम के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा जावा का। जैसे आप जावा ओपन करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, एंड देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड साइट एड्रेस का। यहाँ पे आपको तीनों सेम यूआरएल आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे। तीनों यूआरएल आप बारी बारी से ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे तीनों यूआरएल आप ऐड कर सकते हैं। ये सभी तीनों यूआरएल ऐड करने के बाद आप अपना एक बार सिस्टम रीस्टार्ट कर लीजिए। इन सभी सेटिंग्स के साथ आप ट्रेसेस की वेबसाइट पे जो वेबसॉकेट का ईएम साइनर का जो इश्यू होता था उसको आप रिजोल्व कर पाएंगे, ना आप अपना डिजिटल सिग्नेचर को यूज कर पाएंगे। एरर चेक करने के लिए जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आप वैलिडेट डीएससी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर शो होने लग जाएगा। यहाँ पे आप अपना डिजिटल सिग्नेचर को सेलेक्ट करके साइन ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना डिजिटल सिग्नेचर को यूज कर सकते हैं। आप ट्रेसेस की वेबसाइट पे जो डीएससी का इशू है एरर टू एस्टैब्लिश कनेक्शन विद ईएम साइनर उसको आप सक्सेसफुली रिजोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेसेस की वेबसाइट पे डीएससी या जावा से रिलेटेड कोई अदर्स इशू हो जाते हैं तो कॉन्टैक्ट अस की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको हेल्प एंड सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। Please subscribe to our YouTube channel and press bell button for the latest update and information.